दोस्त रूस ने फिर दिया भारत को तोहफा। दुनिया ने फिर देखा भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। दरअसल रूस भारत के साथ ऐसा सैन्य करार करने वाला है जिसमें भारत जब चाहे तब रूसी नेवल पावर को हिंद महासागर में बुला सकता है, चाहे वो रूस की न्यूक्लियर सबमरीन हो, चाहे युद्धपोत हो या फिर रूसी फ्रिगेट्स हो, चाहे पाकिस्तान को काउंटर करना हो या फिर चीन को। भारत जब चाहे तब रूसी नेवल पावर को हिंद महासागर में बुला सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप इस आर्टिकल को देखिए। इसमें साफ लिखा है कि इस समझौते में रूस हिंद महासागर में आ सकेगा और भारत को रूसी आर्कटिक सागर में पहुंच मिलेगी। अब दोनों एक दूसरे के समंदर में सैर सपाटा करने तो जाएंगे, या तो अपने दोस्त को आज के मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक सिखाने जाएंगे या फिर दुश्मन से दोस्त को बचाने। दोस्तों सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस डील में भारत रूस के नेवल पावर को युद्ध के समय भी बुला सकता है। इस डील के अंदर और क्या क्या सीक्रेट बातें हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उतना ही भर जानेंगे जिससे इस डील की रणनीति रिवील नहीं होगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारत का किसी के साथ युद्ध हो तो हमारी हेल्प करने के लिए अमेरिका आए या ना आए, लेकिन रूस जरूर आएगा क्योंकि इतिहास में उसने पहले भी ऐसा किया है। आपने YouTube पर तो देखा ही होगा कि 1971 के युद्ध में कैसे रूस अमेरिका के सातवें बेड़े के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उस स्टोरी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर हम बात कर रहे थे कि भारत की मदद को कोई आए या ना आए, लेकिन रूस जरूर आएगा और भारत और रूस की इस डील ने इसीलिए पाकिस्तान और चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि इस डील में साफ साफ कहा गया है कि भारत हिंद महासागर में रूस के 10 युद्धपोत या फिर 10 सबमरीन या फिर अपने हिसाब से युद्धपोत और सबमरीन का कॉम्बिनेशन और 3000 सैनिकों को बुला सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर यह संख्या कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रूस भी भारत के युद्धपोत या फिर यूं कहें कि भारत के नेवल पावर को रूस के निकट आर्कटिक सागर में बुला सकता है। अभी शुरुआती जो डिटेल निकल कर आ रही है उसमें यह कहा गया है कि डील इसलिए की जा रही है ताकि जरूरत पर हम एक दूसरे के अनुभव को सीख कर उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। लेकिन अंदर की बात क्या है, इस डील में और कौन कौन सी सीक्रेट बातें छिपी हुई हैं, ये हमारी सरकार के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन शायद इस डील में ऐसी भी चीजें हों जिसमें ये कहा गया हो कि जब भारत का किसी के साथ युद्ध हो तब रूस के ये नेवल पावर भारत के लिए हिंद महासागर में आए। क्योंकि दोस्तों कोई भी देश अपने डील की हर चीजों को नहीं बताते, वो अपनी सीक्रेट चीजें दुनिया से छिपा कर रखते हैं। जैसे कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब भारत ने रूस से ये डील की थी कि जब तक हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ कोई दूसरा देश देने आ जाता है या आ जाएगा तो रूस को उसके सामने आना होगा, उसे रोकना होगा। और जैसे ही अमेरिका अपना सातवां बेड़ा लेकर हिंद महासागर की ओर बढ़ा, रूस भी आर्कटिक सागर से निकल गया। उसका जो सबमरीन था, उस वक्त का सबसे ताकतवर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, उसको लेकर वो हिंद महासागर में पहुंच गई। दुनिया को खबर भी नहीं थी, अमेरिका को भनक तक नहीं थी। और जैसे ही अमेरिका हिंद महासागर से कुछ 100 किलोमीटर दूर था, रूस ने ऐलान कर दिया कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन वहां पहले से ही मौजूद है और अगर कोई भी देश बीच में आया तो उसे हमारे सबसे घातक सबमरीन का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर तो पाकिस्तान ने माथा ही पीट लिया और अमेरिका तो वहीं का वहीं रुक गया। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि रूस और भारत के उस सीक्रेट डील के बारे में दुनिया को तब भी पता नहीं था और आज भी पता नहीं चलने वाली। हो सकता है भारत और रूस के बीच ऐसी डील ना हुई हो सकता है हुई भी हो, लेकिन हाल के दिनों में देखें तो रूस ने नॉर्थ कोरिया से एक डील की है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाल ही में रूस और उत्तर कोरिया ने एक नई समझौते की घोषणा की है जिसमें यदि इन दोनों में से कोई भी देश हमले का शिकार होता है तो उन्हें आपसी सहायता की गारंटी है। इस समझौते को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस समझौते से ये पता चलता है कि रूस को अभी दोस्त की जरूरत है, वरना वो 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया में जाकर किम जोंग उन से ये सैन्य समझौता ना करता। इसलिए दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही समझौता करने वाले हैं। भले ही समझौते की पूरी डिटेल्स दुनिया के सामने ना आए, भले ही रूस और भारत इस बारे में खुलकर ना बोलें, लेकिन जिस तरह के हालात हैं रूस के,
ऐसा लग रहा है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की अब शुरुआत हो ही जाएगी। और ऐसे वक्त में रूस को ऐसे सैन्य समझौते की जरूरत है जो ये गारंटी दे कि युद्ध के समय उसी का साथ देगा। हाँ, भले ही भारत अपनी सेना अपने युद्धपोत भेजकर उसकी सहायता न करे, लेकिन सीक्रेट तरीके से रूस तक हथियार पहुंचाए इसकी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों, रूस ने जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के साथ खुल्लम खुल्ला यह समझौता किया है कि अगर रूस पर हमला हुआ तो किम जोंग उन साथ देंगे, और अगर कोरिया पर हमला हुआ तो फिर पुतिन साथ देंगे, क्या ऐसा ही समझौता भारत का रूस के साथ होना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर भारत के बढ़ते हुए कद को देखकर आपको गर्व होता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।